हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू फैबुलस एजुकेशन। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने थ्योरी पार्ट पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक, जिसमें हमने ये सीखा कि रेडियन से आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्जन डिग्री से रेडियन में कैसे देखा जाता है। लेकिन उसको समझते वक्त हमने ज़्यादा सवाल नहीं किए थे और मैंने आपसे कहा भी था कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम कुछ सवाल देखेंगे। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम चलिए कुछ सवालों को करते हैं। सबसे पहले तो वो सवाल जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, आपके पास वो बुक तो होगी किरण वाली, आप उससे वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं टाइप वन वाले और एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, हम उन्हीं सवालों को एक एक करके करने वाले हैं। सबसे पहले तो कन्वर्ट 1/6 इंटू डिग्री। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था कि जो हमारा जहाँ पर भी सी आए, सी का मतलब वो रेडियन फॉर्म में है और हमें उसे डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने का तरीका जो ये है, हम जानते हैं जो कि हमारा पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। या तो आप डायरेक्टली एक डिग्री की वैल्यू यूज, एक रेडियन की वैल्यू यूज इस्तेमाल कर लीजिए, तो एक रेडियन हमारा 180 बाय पाई के बराबर होगी। अब हमें 1/6 का पूछा हुआ है, तो 1/6 रेडियन 180 बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 1/6 हो जाएगा। इसको आप कन्वर्ट करें तो 30 अपॉन में पाई डिग्री। कुछ लोगों को ये थोड़ा और अटपटा सा लग सकता है, तो हम इसको भी पाई को 22/7 की वैल्यू फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर बदल लें। 7, ये 7 दोस्तों ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 210 अपॉन 22। और फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप तो ये 11 और ये 105 आ जाएगा। इतना डिग्री 1/6 रेडियन कन्वर्जन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी ने आपका ईयर 2012 में पूछा हुआ है सीएचएसएल के एग्ज़ाम में, क्वेश्चन ये कहता है कि हमारा क्वेश्चन सिंपली ये कहता है कि इन अ सर्कुलर मेजर कन्वर्ट इलेवन डिग्री 15 मिनट्स इंटू, अब चार ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, हम तो सॉल्व करना है। देखिए, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक डिग्री है और दूसरा मिनट है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट कर लीजिए और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाइएगा अगले क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक तो डिग्री है, दूसरा मिनट है, तो हमें सबसे पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है रेडियन में कन्वर्जन से पहले। तो अगर हम जानते हैं कि 60 डिग्री में हमारा 60 मिनट में हमारा एक डिग्री होता है, तो इसका मतलब हमें 15 चाहिए, तो एक मिनट में हमारा 1/60 डिग्री होगा। तो 15 मिनट में हमारा 1/60 इंटू में 15, यानी आपका ये आ गया 1/4 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं 11 1/4 डिग्री। देखिए, आपको ये समझ में ना आता हो कि 11 1/4 क्या होता है, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 11 प्लस 1/4। अब 11 के नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे 4 और 11, 1 का एलसीएम 4, ये हो गया आपका 44 प्लस 1, इसका मतलब 45/4 डिग्री।
उम्मीद करता हूँ कल के आपने टॉपिक और वीडियो लेक्चर देखा होगा, उसे सारे सवाल आप आराम से कर सकते हैं। हम आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस सवालों पर मद्देनजर रखें, क्योंकि क्या है, मैथ की एक चीज़ होती है, आप जब तक उसको खुद करते नहीं हैं पेपर पे, तब तक सीखते नहीं हैं। इसलिए मेरा आपसे ये मेरा सलाह होगा आपको लिए कि आप इसको ज़रूर करें खुद। चलिए अब हम देखेंगे अपना अगला सवाल। एसएससी का अगला सवाल ये है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, मैं कह देता हूँ इन अ ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए बी सी इज 75, एंगल ए बी सी इज 75 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज 4c, देन फाइंड द अदर एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं इसमें क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है, इस्तेमाल वही होगा। इन्होंने क्या किया कि एक ट्रायंगल में दो एंगल दे दिए और तीसरा एंगल इन्होंने पूछा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए ये है ए बी सी, इन्होंने कहा कि एंगल ए बी सी यानी ए बी सी ये एंगल है आपका 75 डिग्री, ए सी बी, ए सी बी एंगल है आपका पाई बाय 4 रेडियन में, तो हमें ये एंगल निकालना है, मतलब एंगल बी ए सी। अब दोस्तों हम सब जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है वो हमेशा 180 रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 रहेगा। तो अगर तीनों ट्रायंगल का सम 180 रहेगा तो हमें चाहिए क्या, हमें मालूम है। देखिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको एंगल बी लिख देता हूँ, इसको एंगल ए लिख देता हूँ, इसको एंगल सी लिख देता हूँ, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये आपका 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए की वैल्यू हमें निकालनी है, एंगल बी हमारा दे रखा है 75 डिग्री और एंगल सी हमारा दे रखा है पाई बाय 4 डिग्री, ये 180 डिग्री के बराबर है। अब हमें वही बात है, ये है रेडियन में, ये है डिग्री में, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। देखिए दोस्तों, पाई बाय 4 को कन्वर्ट करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, हम क्या करें कि हम ये लिखें कि पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो पाई बाय 4 क्या होगा, तो 180 इंटू में पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4, तो आपका इससे भी निकल आएगा 45, ठीक है। पर मैं आपको ये कहूँगा कि आपको जब पता है कि पाई की वैल्यू 180 है तो पाई बाय 4 पूछा गया है, तो सीधे आप पाई की जगह 180 लिख दीजिए बाय 4, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में जो हमने कन्वर्ट किया तो हमने ये पाया कि एंगल ए प्लस 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये हमारा 180 के बराबर है। तो एंगल ए प्लस आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 75 प्लस 45 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जब उस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, तो एंगल ए प्लस प्लस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते थे। आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए दोस्तों, जो हमने कल लेक्चर दिया था तो उसमें एक मैंने सीधे सीधे आपको ये बताया था कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, और वो वैल्यू हम सबको जाननी ज़रूरी होती है। इस क्वेश्चन में सीधे लिखा हुआ है कि द डिग्री मेजर ऑफ 1 रेडियन, एक रेडियन की इन्होंने 1 रेडियन की वैल्यू पूछी है,
मैंने कल आपसे कहा था कि SSC इस तरह के सवाल पूछ सकती है, इसलिए आप इसकी वैल्यू वहाँ निकालें, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा, तो इससे अच्छा है आप सीधे वैल्यू सीख लें। देखिए मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन जो पहला ऑप्शन था वो है 57 डिग्री 61 मिनट और 22 सेकंड्स। इसी तरह दूसरा है 57 डिग्री 22 मिनट्स और 61 है, 61 सेकंड्स। तीसरा ऑप्शन है 57 डिग्री 22 मिनट्स और 16 सेकंड्स। तीसरा ऑप्शन है 57 डिग्री 32 मिनट्स एंड 16 सेकंड्स। अब हमने कल देखा था, बताने की ज़रूरत होनी चाहिए। वैसे लगता है मैंने सारे ऑप्शन कुछ गड़बड़ कर दिए। नहीं, गड़बड़ किए नहीं किए, ये आप मुझे कल के वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला। बहुत सिंपल सा आंसर है, कल भी हमने इसे सॉल्व किया था, तो इसे आप कर लीजिए। नेक्स्ट वाला काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीधे कहता है कि 3π/5 रेडियन इज इक्वल टू। ये हमारा CGL टीयर 1 का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था, उस वक्त अच्छे सवाल आते थे। तो अब देखिए 3π/5, मैं हमेशा आपको सलाह दूंगा सीधे हम पाई लिखें, इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो ये वैल्यू ऐसे लिखें, तो इसमें लंबा चला जाएगा। आपको सीधे पाई की वैल्यू रख दीजिए, सबसे आसान होगा, कुछ नहीं करना। 3 पाई की वैल्यू रख दी 180 डिग्री अपॉन में 5, ये 36 कट जाएगा, इज इक्वल टू 108 डिग्री। सीधा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी सही हो गया। अब एक अगला जो सवाल है वो ये कहता है कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज 135 डिग्री, मतलब इन्होंने बोला है सम ऑफ टू एंगल्स, मतलब दो एंगल का सम 135 डिग्री है और फिर उनका डिफरेंस है आपका दोस्तों π/12। तो हमसे पूछा है कि वो दोनों एंगल कौन कौन से हैं, हमें ये बताना है। इक्वेशन बना लेते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले हमें मालूम है दोनों सेम उसमें होने चाहिए। या तो आप π/12 को उसमें 135 में डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, या ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, हम करेंगे ऑप्शन देख के। ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन में जो जितने ऑप्शन हैं दोस्तों वो सारे 2π/3, 5π/12, 3π/5, π/3, मतलब सारे ऑप्शन रेडियन में हैं। तो अच्छा होगा कि हम रेडियन को रेडियन में कन्वर्ट कर लें, आसानी हो जाएगी, सिंपल सा है। अब रेडियन को रेडियन कन्वर्ट करना है तो 180 पाई रेडियन। देखिए जिसमें कन्वर्ट करना है उसको इस तरफ रखिए और जिसको कन्वर्ट करना है उसको इस तरफ रखिए, इसका मतलब 1 डिग्री π/18। मुझे लगता है अब तक तो ये स्टेप करते करते आप लोगों को एकदम याद भी हो गया होगा, सीधे आप ये कर सकते हैं। तो 135 डिग्री निकालना है हमको, ये हो गया 135 अपॉन में 180 डिग्री इंटू में पाई। 15 की टेबल से कट रहा होगा, 15 9 जा 15 12 जा, ठीक है दोस्तों। अब ये फिर अभी 3 की टेबल से और कट सकता है, 3 π/4, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि जो 135 डिग्री है उसकी वैल्यू आ गई 3π/4। इसका मतलब वो जो दो एंगल हैं, मान लेते हैं उन एंगल को ए और बी। देखिए हम हमेशा सोचा करते थे बचपन में ही ए और बी क्या मानते हैं,
मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एज्यूम कर ले रहे हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम मान लेते हैं सम। सम क्या है? ए प्लस बी वो 135 डिग्री है, इसका मतलब वो 3π/4 है, और उनका डिफरेंस यानी ए में से बी गया तो उसका डिफरेंस है π/12। अब आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए हम अब इन दोनों को सम कर दें, मतलब जोड़ दें। देखिए ऐसा है, ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, आप दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, ऐसे ए प्लस बी फिर प्लस ए माइनस बी, अब ये माइनस माइनस बी कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 3π/4 प्लस π/12। अब ये क्या हो गया आपका 2a की वैल्यू, 2a की वैल्यू कितनी हो गई, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, फिर से 12 आ जाएगा और एलसीएम 12 से जाएगा 3 × 3 = 9π प्लस पाई इज इक्वल टू 10π/12 इज इक्वल टू 2a। तो दोस्तों जब 2a इतना है तो a की वैल्यू तो ऑल हो जाएगी, 10π फॉर्म में 2 × 12, जो 2 यहाँ है जब इस तरफ को आएगा तो वो नीचे आ जाएगा 5। तो a की वैल्यू तो हमारी आ गई 5π/12। अब आ जाती है b की वैल्यू, तो आप a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए मान लीजिए हम इसमें पुट कर देते हैं, a की वैल्यू है 5π/12, तो 5π/12 माइनस बी इज इक्वल टू π/12। इस b को आप इधर लेके जा सकते हैं, नहीं तो इसको उधर लेके जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चलिए हम कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया, अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो माइनस बी बच जाता है इज इक्वल टू π/12 माइनस 5π/12, 12 एलसीएम, ये आपका आ गया 12, पाई में से 5 पाई गया, जो कि जा नहीं सकता, कम वैल्यू से बड़ी वैल्यू जा नहीं सकती, इसलिए माइनस का साइन आएगा, माइनस 4π इज इक्वल टू माइनस बी, ये माइनस माइनस कट जाएगा दोस्तों, ये 4 कट जाएगा एक से, ये 3 से, इसका मतलब b की वैल्यू हमारी π/3 आ गई और a की वैल्यू हमारी 5π/12 आ गई थी। इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए कुछ और अच्छे सवाल देखते हैं, जैसे इन्होंने पूछा है, ये अच्छा सवाल है, अगला सवाल दोस्तों ये कहता है कि टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 1/2c एंड 1/3c, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। मतलब एक त्रिभुज की जो दो एंगल हैं कोण, उनकी वैल्यू है 1/2c और 1/3c, थर्ड निकालनी है। इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे, एक ट्राइंगल है, उसकी कोई भी जो वैल्यू है, मान लीजिए ABC, एक की वैल्यू 1/2, एक की है 1/3, इसको कुछ भी मान सकते हैं आप, इसकी 1/2 मान सकते थे, इसकी भी 1/3 मान सकते थे, तो हमें ये निकालनी है, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। देखिए डिसाइड ये कीजिए कि आपको निकालना किस में है, रेडियन में या डिग्री में, वो डिसाइड होगा आपके ऑप्शन से, ऑप्शन किस में दे रखा है। मान लीजिए अगर ये ऑप्शन जो हमारा दे रखा हुआ था वो रेडियन मेजर में ही दे रखा है, तो अगर मेजर रेडियन मेजर में दे रखा है तो हम रेडियन में निकालेंगे, और अगर डिग्री में देखा है तो आप देखिए दोनों रेडियन में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले डिग्री में, इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, इससे अच्छा है पहले आप रेडियन में ही इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, उसको एक बार डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा, टाइम बचेगा। करते हैं, हमें पता है कि एक ट्राइंगल में तीनों की वैल्यू 180 डिग्री होती है और 180 डिग्री को ही रेडियन में पाई कहते हैं, तो 1/2 प्लस 1/3 और जो तीसरी साइड निकालनी है, मान लीजिए एंगल सी मान लेता हूँ इसको,
एंगल सी आपका पाई के बराबर आ गया। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 3 + 2 + एंगल सी पाई के बराबर आ गया, यानी 5/6 + एंगल सी पाई हो गया। इसका मतलब एंगल सी जो हो गया आपका पाई माइनस 5π/6। आप इस पाई की वैल्यू भी डाल सकते हैं, नहीं डाले तो भी चल जाएगा, तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या रखेंगे उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। यह हो गया आपका 6π - 5/6। अगर आपको इसको किसी ने डिग्री में कन्वर्ट करने को कहा तो आप सिंपल से कर सकते हैं, हमें मालूम है कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो इतना रेडियन 6π - 5/6 कितना होगा, तो 180 / π × 6π - 5/6। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो आप इसमें पाई की वैल्यू 22/7 अगर रख दें तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन है या आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा जब भी आप कोई सवाल करें तो ये ज़रूर देख लें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, चीज़ें क्या हैं, उसी से हम उसको कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल जो मैं आपसे बोलने वाला हूँ, ये थोड़ा सा आपको सोचने वाला होगा। अगला सवाल ये कहता है कि एक व्हील है दोस्तों, ठीक है, एक पहिया है, इसमें थोड़ा सोचने को मिलेगा, है ना। ये पहिया 1 सेकंड में 4 राउंड घूम लेता है, मतलब RPS कहते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट, ये पर सेकंड मान लीजिए आप, ठीक है, पर मिनट कहते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। तो ये 1 सेकंड में 4 रेवोल्यूशन कर लेता है, तो ये कितनी देर में आपके वन हंड्रेड टेन डिग्री एंगल बनाएगा, ये कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितनी देर में 180 डिग्री बनाएगा, तो देखिए आपको एक बार को लग सकता है कि ये टाइम एंड स्पीड का सवाल है, पर ये एक्चुअली टाइम एंड स्पीड का सवाल नहीं है, ये इससे एंगल कन्वर्जन का भी हो सकता है, आराम से आप समझें। समझना ये है कि वो एक सेकेंड में 4 रेवोल्यूशन कर रहा है, रेवोल्यूशन मतलब पूरा रोटेट हो रहा है, पूरा घूम जा रहा है। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, इसका पॉइंट यहाँ पे है ना, ये यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच जा रहा है, तो इसमें कितना डिग्री एंगल हुआ, ये इसको आप पूरा 360 घूम गया या फिर 2π घूम गया, दोनों मान सकते हैं। तो ये अब हमें 110 डिग्री कितनी देर में रोटेट करेगा ये निकालना है। फिर मैंने क्या कहा था आपसे, डिसाइड कीजिएगा कि आप रेडियन यूज़ करेंगे या फिर डिग्री यूज़ करेंगे, वो इसको देख के कीजिएगा कि पूछा क्या गया है, और हमसे उसने 110 डिग्री पूछा है, सॉरी। तो 1 सेकंड में आपका 4 रेवोल्यूशन मतलब, सॉरी, 360 डिग्री, है ना। इसको अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होगा, हमने कहा था ना आपको कि जो भी चीज़ निकालनी हो उसको उस तरफ रखिएगा, आपको आसानी होगी। तो 4 × 360 डिग्री घूम रहा है वो 1 सेकंड में, तो आपका 110 डिग्री निकालना है, कितने देर में घूमेगा, 110 डिग्री। तो ये 1/4 × 360 × 110 आया, ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कटा, ये आपका कन्वर्जन हो गया, 1/1 कार्ड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, तो आंसर आएगा 144। इतना सेकंड ये लेगा, आप समझ सकते हैं 1 सेकंड में इतना कम रेवोल्यूशन, तो जो 110 डिग्री घूमना है उसको तो 1 सेकंड से कम ही लेगा, तो आप 11 को 144 से डिवाइड करेंगे तो आपका
वन से तो बहुत कम आएगा ये वैल्यू, बिल्कुल उसको प्रूव करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन। अगली बार हम फिर से थ्योरी पार्ट से मिलेंगे, आपको आगे की चीज़ बताऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, क्यों होता है, या फिर अगर हम ट्रायंगल होता है हमारा तो उसमें अगर ये एक एंगल हो गया, इसकी वैल्यू हमें दे दी 5 है, ये है 7 है, तो ये कैसे निकलेगा, साइन थीटा की वैल्यू हो तो कैसा होगा। तो आप हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें और आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।